नमस्कार दोस्तों, का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक पेटीएम यूज़र है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि आप अपनी पेटीएम अकाउंट में 200 रुपये की कैशबैक कैसे फ्री में अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि अगर आप एक पेटीएम यूज़र है तो दोस्तों 28 फरवरी से पेटीएम एक अपडेट आ चुका है कि आपको KYC कम्प्लीट करना होगा, जो कि यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन होता है। दोस्तों, ये KYC कम्प्लीट करने का आपको यहाँ पर देखिए 200 रुपये बिल्कुल फ्री में कैशबैक आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों, सभी को अनिवार्य हो गया है। अगर आप KYC कम्प्लीट नहीं करते हैं तो आप अपनी पेटीएम अकाउंट को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं फाइनली आपको पहले KYC मेरा कंप्लीट नहीं है तो यूज़ करके आपको दिखाते हैं अपनी पेटीएम अकाउंट को। चलिए, मैं पासबुक पे पहले क्लिक करके आपको अपना बैलेंस दिखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं मेरे यहाँ पे 3000 टोटल बैलेंस है। और चलिए, मैं बैक लेकर के देखिए, मेरा KYC कंप्लीट नहीं है और मैं अपने ये पैसे को अगर अपने बैंक अकाउंट में या फिर अपने दोस्त को शेयर करना चाहते हैं तो चलिए पे पे क्लिक करते हैं। और जैसे मैंने पे पे क्लिक किया, चलिए मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं किसी फ्रेंड का। और दोस्तों देख सकते हैं, मैं अपना फ्रेंड का अपना दोस्त का अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। और चलिए, मैं 1000 रुपये अपने दोस्त को सेंड करना चाहता हूँ। मेरा टोटल बैलेंस 3000 रुपये है। और दोस्तों चलिए, मैं यहाँ पे देखिए प्रोसीड टू पे क्लिक करते हैं। दोस्तों, अगर दोस्तों आपके साथ भी कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि देख सकते हैं मैंने सेंड किया तो देख सकते हैं रिक्वेस्ट फेल, देख सकते हैं सेंड नहीं हुआ है। और यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, प्लीज़ कंप्लीट योर KYC टू सेंड मनी टू एनी यूज़र या बैंक अकाउंट। दोस्तों, आपको KYC कंप्लीट करना होगा तो उसके बाद ही अपने इस पेटीएम अकाउंट को इस्तेमाल कर पाएंगे अपने किसी भी एक यूज़र को, यानी कि अपने दोस्त को शेयर करने के लिए या फिर अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए अपने इस पेटीएम अकाउंट से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको यही बताने जा रहे हैं पूरे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि आप कैसे KYC कंप्लीट कर सकते हैं अपने पेटीएम अकाउंट में और अपने पेटीएम अकाउंट को कैसे आप कंटिन्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको KYC कंप्लीट करने का आपको 200 रुपये बिल्कुल फ्री के कैशबैक भी मिल रहे हैं, तो काफ़ी ये पेटीएम की तरफ से सभी के लिए ऑफिशियल ऑफर है। ठीक है, जो भी आप KYC कंप्लीट करेंगे सभी को 200 रुपये मिल जाएंगे। तो सिंपली आपको इस KYC बटन पर, यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन है KYC, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको इस तरह का ऑप्शन यहाँ पर देखिए ऑफर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा, इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो कंप्लीट योर KYC और पढ़ लीजिए अर्न अप टू RS 200, देख सकते हैं 200 रुपये कैशबैक ऑन योर कंप्लीटिंग KYC। तो देखिए सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो साथ में साथ नीचे में देखिए आपको प्रोसीड का एक बटन होगा, सिंपली इस प्रोसीड पे क्लिक कर देना अगर आप KYC कंप्लीट करना चाहते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको लिखा जाएगा कंप्लीट योर KYC। देखिए आपको यहाँ पे अपना देखिए इंटर योर 12-डिजिट आधार नंबर, यहाँ पे आपको अपनी आधार नंबर डालना है और अपना यहाँ पे आधार नाम डालना है, जो कि आधार कार्ड पे आपका नाम है। ठीक है, आधार नंबर पे वह डालना है और यहाँ पे एग्री करना है, उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो भी आप कर सकते हैं डोंट हैव एन आधार कार्ड, इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं इस तरीके से। और मैनुअली यहाँ पे देख सकते हैं सारा ऑप्शन आ जाता है, आप पासपोर्ट, वोटर आई डी, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी जॉब कार्ड से, और साथ साथ देख सकते हैं ये सारा ऑप्शन से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं मैनुअली इस वीडियो के अंदर मैं आपको आधार कार्ड से कैसे आप 1 मिनट के अंदर KYC कंप्लीट कर सकते हैं और 200 रुपये फ्री पेटीएम कैश कमा सकते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहे हैं। तो सर, सबसे पहले KYC कंप्लीट करने के लिए आधार नंबर से आपके पास सिर्फ एक कंडीशन है जो कि मैं आपको बता देना चाहूँगा। वह यह कंडीशन है कि दोस्तों, आप जब आधार कार्ड बनाते वक्त अपना कोई नंबर लिंक किए होंगे, डाले होंगे, दिए होंगे, उस मोबाइल नंबर पे जो है इस अभी जो आप KYC कंप्लीट करेंगे इस वक्त आप जो यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, इस आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा आपका मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगी जो कि आपको यहाँ पर डाल करके आपको सबमिट करना होगा, तभी आप KYC कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं पहले अपना आधार नंबर डालते हैं। और दोस्तों, आप जैसे ही अपना आधार नंबर डाल देंगे और जो आपका आधार कार्ड पे नाम है वो डाल के यहाँ पे एग्री टू टर्म्स कंडीशन पे टिक मार करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं आपके सामने क्लिक करते हैं। तो एक सेकंड आपको यहाँ पे इंतजार करना है। और जैसे एक सेकंड इंतजार करेंगे तो दोस्तों, इस आधार नंबर से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP चला जाएगा। तो वह OTP आपको यहाँ पर डाल करके नीचे में देखिए वेरीफाइड पर आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं डाल देते हैं आपके सामने। तो दोस्तों, मैंने OTP डाल दिया है, देख सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही OTP डाल करके आप वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे, इस वेरीफाई पे देखिए मैं आपके सामने क्लिक किया, देखिए प्लीज़ वेट, आपको एक सेकंड इंतजार करना है। और जैसे ही फिर से एक सेकंड इंतजार करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हैं वेरीफाई आधार कार्ड डिटेल्स। और दोस्तों, आपके यहाँ आधार कार्ड का सारा डिटेल यहाँ पे शो होने लग जाएगा, जिससे कि देख सकते हैं मैं इसको ब्लर कर रखा है। तो इस तरीके से सारा चीज़ आ जाएगा। ठीक है, और नीचे में देखिए येस इट्स मी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही दोस्तों इस पर आप क्लिक करेंगे, देखिए मैं आपके सामने क्लिक कर रहा हूँ, देखिए प्लीज़ वेट, एक सेकंड आपको इंतजार करना है। और जैसे ही फिर से एक सेकंड इंतजार करेंगे, फिर से एक नया इंटरफेस आएगा और यहाँ पे देखिए आपको लिखाएगा प्रोवाइड एडिशनल डिटेल्स। ठीक है, तो ये आपको सारा चीज़ फिलअप करना है। ठीक है, टिक मार्क करना है। तो देखिए आपको यहाँ पर लिखा रहा है मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है या अनमैरिड है या फिर अदर्स है। तो मैं चलिए अनमैरिड हूँ, तो अनमैरिड को आपको इस
दोस्तों अगर आपका शादी हो चुका है तो आप मैरिड ले सकते हैं, अगर आपके शादी नहीं हो चुका है तो अनमैरिड कर दीजिए या फिर अदर ले सकते हैं। तो चलिए मैं अनमैरिड हूँ तो अनमैरिड कर देता हूँ। इस तरीके से आपको ये देखिए प्रोफेशनल क्या है, तो चलिए मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ तो मैं स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको भी अपने तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर देखिए आपको अपनी फादर्स नेम और यहाँ पर लास्ट नेम आपकी अपनी फादर का, और यहाँ पर देखिए अपना फर्स्ट नेम, ठीक है, अपना मदर का और लास्ट नेम डाल करके, और यहाँ पर देखिए डू यू हैव पैन कार्ड, मेरे पास नहीं है तो चलिए मैं नो कर देता हूँ। इस तरीके से ये भी अपना एनुअल एग्रीकल्चर इनकम, ये सारा चीज़ ये भी आपको फिलअप कर देना है। एनुअल नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो भी आपका हो अपना डाल देना है। और यहाँ पे ये सारा चीज़ देखिए इस तरीके से फिलअप करने वक्त यहाँ पे देखिए इस पर आपको टिक मार्क कर देना है इस तरीके से, ठीक है। और जैसे ही टिक मार्क करेंगे, ठीक है, और नीचे में सबमिट कर देना है। चलिए मैं सारा चीज़ करने के बाद सबमिट कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही आप सबमिट करेंगे, देखिए मैं सबमिट किया, आप फिर से 1 से 2 सेकंड आपको इंतजार करना है। जैसे ही 1 से 2 सेकंड इंतजार करेंगे देखिए आपको यहाँ पे लिखा जाएगा, इस तरह का इंटरफेस आएगा, यू डिटेल्स हैव बीन एक्सेप्टेड। देख सकते हैं ये एक्सेप्टेड जब हो गया आपका काम हो चुका है। देखिए प्रोसीड फॉर वेरीफाइड टू कम्प्लीट योर KYC, आपका प्रोसीड में चला गया है, ठीक है, KYC के लिए आपका प्रोसीड में चला गया है, ठीक है। और ये आपके 1 सप्ताह के अंदर आपका कंप्लीट हो जाता है, लेकिन 1 सप्ताह तक का आपका वक्त लग जाता है। बस यही करना है, आपका KYC कंप्लीट हो चुका है, बस इतना ही आपको वर्क करना है जो कि 1 मिनट में आप कर लेते हैं। और दोस्तों चलिए अब आपको फिर से देखिए अपना पैसे को ट्रांसफ़र करके आपको दिखाते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए मैं अपना फिर से अपना दोस्त का नंबर यहाँ पर डाल रहे हैं और चलिए प्रोसीड कर रहे हैं, और यहाँ पे 1000 रुपये फिर से डाल रहे हैं, ठीक है, देख सकते हैं आपके सामने। दोस्तों मैंने आपके सामने KYC कंप्लीट किया है, ठीक है। और जैसे ही KYC कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद देखिए आपके सामने फिर से देखिए मैं बैलेंस ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो इस बार हो रहा है या नहीं हो रहा चलिए वो दिखा रहे हैं। तो प्रोसीड टू पे पर क्लिक करते हैं और चलिए फिर से देखिए कन्फर्म पर क्लिक करते हैं। और दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 1000 रुपये देख सकते हैं आपके सामने ट्रांसफर हो चुका है, और यहाँ पे देखिए किसी भी तरीके की कोई नोटिस यहाँ पे नहीं आ चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से अपना KYC को आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी पेटीएम में KYC पे यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे KYC को कम्प्लीट कर सकते हैं। देख सकते हैं मैं यहाँ पे कम्प्लीट कर चुका हूँ, तो यहाँ पे मुझे आ रहा है योर डिटेल्स हैज बीन एक्सेप्टेड। जब ये दोस्तों आ जाए तो आपका KYC कम्प्लीट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों अब अपने पेटीएम अकाउंट को आप जितना चाहो इस्तेमाल कर सकते हो, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है दोस्तों। ये इसका और दोस्तों ये जो है आपका प्रोसीड वेरिफिकेशन होने में 1 सप्ताह आपका लग जाएगा। और दोस्तों जैसे ही 1 सप्ताह आप वेट कर लेंगे, 1 सप्ताह के बाद आपका जो है ये KYC डन हो जाएगा। और जैसे ही KYC डन हो जाएगा उसके बाद जो है आपको 200 रुपये का कैशबैक कैसे मिलेगा वह भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आपको इसमें जो है आपको प्रोमो कोड आपको अप्लाई कर रहा होगा Aadhaar200, ठीक है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो 1 सप्ताह तक आपको इंतजार करना है, ठीक है, KYC जैसे ही ये प्रोसीड कर देने के बाद। और जैसे ही डन होगा KYC उसके बाद आपको 20 रुपये इंस्टेंट तुरंत आपके पेटीएम में एडिट हो जाएंगे 7 डे के बाद, जैसे ही KYC डन होगा उस वक्त, ठीक है। और आपको 180 रुपये तब मिलेंगे जब आप किसी भी एक मोबाइल नंबर पर आप जो है पहला रिचार्ज करेंगे, वह भी 1 मंथ के अंदर KYC कंप्लीट होने के बाद। तो वह दोस्तों मैं अगले वीडियो में इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी दे दूंगा, तो आप हमारी अगली वीडियो को जरूर आने वाले अगली वीडियो को देख लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।